और चलिए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की बात करते हैं, जहां पर धोखाधड़ी करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि किसान से जमीन दलालों ने 1,43,00,000 रुपए में सौदा कर जमीन हड़पने की साजिश रची थी। शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार पर हिमांशु सोनकर, युवराज तंबोली और एक साथी के खिलाफ में पुलिस ने कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया है। बता दें कि हाल ही में रॉयल प्रॉपर्टी डीलर बालोनी कुंदरू पारा में भी ठगी का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग के संरक्षण में जमीन दलाल द्वारा यह खेल खेला जा रहा है, जिसका खामियाजा आम किसान को भुगतना पड़ रहा है। प्रार्थी यशवंत साहू ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी जमीन को हिमांशु सोनकर ने 1,43,00,000 रुपए में सौदा किया है, जिसमें बाजार मूल्य के हिसाब से इसने एक पेमेंट कर दिया, बाकी का पेमेंट इन्होंने मौखिक रूप से नहीं किया, जो 1,01,80,000 रुपए का है। हिमांशु सोनकर और अन्य लोगों से पूछताछ कर इन लोग को पूछताछ में पाया, जांच में पाया गया और इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। यदि इस प्रकार से कोई मामला है और यदि आपने संज्ञान में ना, तो जरूर हम उच्च अधिकारी को निर्देश करेंगे कि त्वरित इसमें संज्ञान ले और जहां जहां पर ऐसा अवैध प्लाटिंग के कारोबार चले उसको बंद करें, हम बिल्कुल निर्देश करेंगे। मुझे उसका प्रमाण के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करें तो निश्चित ही उच्च अधिकारी निर्देश करूंगा। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसे कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ बिल्कुल नियम रूप से वैधानिक कार्रवाई होगी।